लाइव मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्याण महाजन और आप देख रहे हैं ब्राह्मणपुर जिले के दिन भर की टॉप 10 खबरें। लाइव मध्य प्रदेश पर आ रही है बुरहानपुर से बड़ी खबर। बुरहानपुर विधानसभा चुनाव में बागी सियासी गणित बिगाड़ने को तैयार है। इस बार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के पुत्र हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बागी बन मैदान में ताल ठोक दी है। टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता नफीस मंशा खान AIMIM से उम्मीदवार बनकर अपनी पार्टियों से बगावत कर चुनावी दंगल में कूदे हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से टिकट न मिलने के कारण बगावत पर उतरे प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरकर यह सिद्ध कर दिया है कि दोनों ही पार्टियों में बगावत पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है। बागियों से निपटने के लिए कांग्रेस के प्रदेश के नेता संजय दत्त ने कांग्रेसियों को और भाजपा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और जिलाध्यक्ष मनोज लधवे ने भाजपा के बागियों के पास जाकर मिन्नतें अपील चेतावनी सब तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कोई भी बागी संतुष्ट नहीं हुआ और नतीजा सिफर रहा। भाजपा के बागी हर्षवर्धन सिंह चौहान, मनोज तारवाला, रमेश पाटीदार सहित अन्य पदाधिकारियों के इस्तीफों की झड़ी लग गई है। पंडित दीनदयाल जी का उनकी पॉलिटिकल डायरी में अगर आप उसको कभी पढ़ें तो उसमें लिखा है कि कोई व्यक्ति आपका वोट पाने का अधिकार सिर्फ इसलिए नहीं रख लेता कि वो किसी अच्छी पार्टी का सिंबल लेकर खड़ा है। यदि व्यक्ति खराब हो, खराब व्यक्ति को, गलत व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया हो तो कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का ये अधिकार बनता है कि वो उस व्यक्ति की जगह किसी अन्य व्यक्ति को, जो अच्छा व्यक्ति मैदान में उतरा हो, उसको वोट देकर जिताएं। और इस प्रकार के निर्णयों का पार्टी को अपने मत के द्वारा जवाब दें। उसी तारतम्य में, उसी विचारधारा और उसी आदर्श को लेकर के मैं निर्दलीय चुनाव में जनता के आदेश पर उतरा हूँ। चूँकि जनता ने खड़ा किया है और ये सोचकर खड़ा किया है कि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के परिवार से कोई व्यक्ति आगे आए जो कि उन्हीं की तरह इस क्षेत्र की सेवा करे। चूँकि अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ और जब निर्दलीय चुनाव लड़ना है तो निश्चित ही रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देना था, जो कि आज मैंने दे दिया। कल मेल पर डाल दिया था, आज जिला अध्यक्ष जी को उसकी हार्ड कॉपी भी दे दी और अपने सोशल मीडिया, ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडलर से उसका जो फोटो है वो भी अपलोड कर दिया। कितने लोग आपके साथ समर्थन दे रहे हैं? अब अगर मेरे साथ में अभी देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे लोग इस्तीफा अभी देने वाले हैं। आज कुछ आज देने वाले हैं, कुछ कल देने वाले हैं। ये मानकर चलिएगा कि जो 1980 की स्थिति थी वो निर्मित हो जाएगी अगर सभी लोगों ने इस्तीफे दे दिए। मैंने भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार घोषित किया, उसकी 2018 में जो हार हुई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जो दुख हुआ, उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का अहंकार की लड़ाई को हम लोगों ने देखा कि वो किसी भी कार्यकर्ता की कोई इज्जत या संगठन की कोई उसके सामने अहमियत नहीं है। इस कारण हमने अपने पार्टी को सूचित किया है कि हम विधानसभा 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में काम नहीं कर सकते। वो भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहराने में जिसका परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे परिवार के होनहार युवा कार्यकर्ता हर्षवर्धन सिंह चौहान के समर्थन में काम करेंगे, ये निर्णय लिया। ये सूचना हमने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों को सबको दी। भैया, बताया जा रहा है कि करीब करीब 2000 कार्यकर्ता भी अब जो है इसमें आ रहे हैं। अब वो कौन कौन आ रहा है, मेरे ख्याल से तो सुबह से पूरी लाइन लगी है। अब देखो और आगे आगे कैसा कैसा। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि हम तो चले थे अकेले राही मंजिल, कारवा लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। क्या भाजपा को अभी इस चुनाव में चुनौती मानेंगे? भाजपा तो समझ लो कार्यकर्ता को तो जनसमर्थन मिल रहा है सभी शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में। उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जो दुर्गति कांग्रेस की 2018 में हुई थी, उससे भी खराब स्थिति इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की केवल उम्मीदवार के कारण हुई है, क्योंकि हम उनके सिद्धांतों पर चलते हैं दीनदयाल जी के। और दीनदयाल जी ने 11 दिसंबर 1961 को ही बता दिया था कि कोई भी व्यक्ति अच्छे दल से खड़े होने के बाद आपका मत अधिकार
पाने का अधिकार केवल इसलिए नहीं रख सकता कि वो अच्छे दल से खड़ा है। यदि ऐसी गलती पार्टी ने की है तो उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता का है कि उसको सबक सिखाए और पार्टी को भी गलत निर्णय का संदेश पहुँचाए। 1980 में भी ऐसी कोई घटना हुई थी, क्या था वो पूरा मामला? 1980 में मेरे को ख्याल नहीं आ रहा है कौन लड़ा था क्या लड़ा था, क्योंकि 1980 यानी मेरा बहुत युवा के रूप में मैं काम करता था तब, तो जो हुआ वो हुआ। ऐसा पार्टी से आपने भी टिकट की मांग की थी, क्या मानते हैं पार्टी में टिकट वितरण में धांधली लापरवाही हुई है? मेरा ये मानना है कि पार्टी को कहीं ना कहीं गुमराह करके व्यक्ति विशेष के द्वारा टिकट लाया गया है और उसको बुरहानपुर की जनता और बुरहानपुर के भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता सबक सिखाएंगे।